महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए नए बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं। जनता भी अप्रत्याशित तरीके से अचंभित है और इसी साथ नेता भी कहीं ना कहीं अपने जोड़ जुगत में लगे हुए हैं। इसी बीच आपने देखा कि अजीत पवार अब सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी जो पार्टी है उस पर उन्होंने दावा किया है। इसी बीच बता दें कि शरद पवार को उनके निजी सियासी करियर की सबसे बड़ी चोट के बाद अब वो अपने साथ बचे विधायकों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एनसीपी के अधिकतर विधायक जब से अजीत के खेमे में जा बैठे हैं तब से पवार ने अपने विधायकों पर भरोसा खो दिया है। शायद यही कारण है कि शरद पवार अपने गुट के बाकी बचे विधायकों और पदाधिकारियों से एफिडेविट बनवा रहे हैं, नेताओं से बनवाया जा रहा है वफादारी का सर्टिफिकेट। अब खबर है कि शरद पवार ग्रुप की तरफ से विधायकों और पदाधिकारियों का एफिडेविट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र बनवाया जा रहा है। शरद पवार गुट के विधायकों से ये लिखित में लिया जा रहा है कि वो शरद पवार के प्रति वफादार है और उनकी निष्ठा शरद पवार के प्रति है और वही उनके नेता हैं। आपको बता दें कि शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर बुधवार को मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहने को कहा है। एनसीपी के मुख्य सचेतक जितेंद्र हवाड़ ने एक पंक्ति वाले इस व्हिप में कहा है कि पवार ने 5 जुलाई को YB चौहान सेंटर में दोपहर लगभग 1 बजे बैठक बुलाई है और सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार के घर पर आज जो बैठक चल रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक के दौरान पता चलेगा कि कौन कौन से लोग आज उन्हें समर्थन देने वाले आने वाले हैं। अजीत पवार सारे विधायकों से लगातार संपर्क में हैं और सूत्रों ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के समर्थन में कई कार्यकर्ता देवगिरी बंगले के पास इकट्ठा हुए हैं और सभी के सभी उनसे मिलकर बाहर आए। उनका कहना है कि हमारे सुप्रीम जो है शरद पवार है, पर राज्य के विकास के लिए अजीत पवार ने जो किया उसका वो समर्थन करते हैं। अब देखना होगा कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। लोगों की नजर है आने वाले चुनाव में कौन बाजी जीतता है, भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दूसरी पार्टियां जिन्होंने तोड़जोड़ की अभी राजनीति शुरू कर रखी है। तो तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।